अग्रसेन बुक डिपो रमा गोविंद पैलेस में प्रशासन ने की छापामार कार्यवाही, दुकान को किया सील। मूल्य से अधिक रेट पर बेची जा रही थी किताबें, अभिभावक ने की कलेक्टर से शिकायत तो हो गई कार्यवाही। प्राइवेट विद्यालयों से खुलते ही अभिभावकों की जेब पर निरंतर डाका डाल रहे प्राइवेट स्कूल संचालकों के मंसूबों पर आज कलेक्टर ने पानी फेर दिया। रीवा शहर के रमा गोविंद पैलेस स्थित अग्रसेन बुक डिपो में छापामार कार्यवाही करते हुए अग्रसेन बुक डिपो को सील कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा यह कर्मचारी तकरीबन आधा दर्जन अभिभावकों की शिकायत की गई है। शिकायत पत्र में अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे वेदांत पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, जहां से किताबें खरीदने के लिए अग्रसेन बुक डिपो के लिए मैसेज किया गया था। अभिभावकों जब वहाँ किताब खरीदने पहुँचे तो 145 वाली किताब प्रिंट रेट में छेड़खानी करके 245 की बेची जा रही थी। इसी तरह से कई किताबों के प्रिंट बढ़ाए गए थे, जिसकी शिकायत अभिभावकों के द्वारा कलेक्टर से की गई थी। आज कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देशान पर SDM अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार अति शुक्ला सहित अन्य थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर पुलिस बल के साथ जब दुकान में पहुंचे तो शिकायत सत्य पाई गई, जिसके बाद उग्रसेन बुक डिपो को सील कर दिया गया। हम आपको बता दें कि प्राइवेट विद्यालयों के खुलते ही अभिभावकों के जेब पर सीधे डाका पड़ने लगता है। चीन ने दुकानों में स्कूल यूनिफॉर्म ऊंचे दामों पर खुलेआम बेचे जा रहे हैं। अभी तक तो यह देखा गया है कि चिकित्सालयों के द्वारा चिन्हित दुकान से दवाई खरीदने की पर्ची दी जाती थी, लेकिन प्राइवेट संचालकों को भी, यानी कि प्राइवेट स्कूल संचालक भी दुकानों से संघ गठबंधन कर लेते हैं और चिन्हित दुकानों से किताब खरीदने के लिए अभिभावकों के ऊपर दबाव बनाते हैं। हालांकि आज प्रशासन के द्वारा यह पहली कार्यवाही की गई है, जिसके बाद विद्यालय की दलाली करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। और चौराहे अग्रसेन बुक डिपो पे कार्रवाई चल रही है, क्या ये अग्रसेन बुक डिपो में एक शिकायत प्राप्त हुई थी और एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें ये दिख रहा था कि जो बुक्स है उनको प्रिंट रेट पे ना बेचिए, ओवर रेट पे बेचा जा रहा है, उस पर एक अलग तरीके से ज़्यादा मूल्य वाली स्लिप लगाई जा रही है। तो उस शिकायत को आज यहाँ पर सत्यापन करने के बाद दुकान को बंद कराया गया है। अग्रिम आदेश तक के लिए ये दुकान जब तक खुलने का आदेश नहीं हो जाता तब तक बंद रहेगी।